फिलहाल अभी हम यहाँ पे प्रिंटर को ले आए हैं, देख सकते हैं 816 मॉडल है। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कि इसमें और क्या दिया हुआ है। एक अलग से इसमें भी इंक दिया है तो उसको भी दिखाते हैं आपको। चलिए, तो फिलहाल अभी इसको सील लगा हुआ है, इसमें देख सकते हैं सील लगा है। तो इसको अभी सील को तोड़ते हैं और दिखाते हैं आगे इसमें क्या क्या और है। सील को खोल दिए हैं, इसके अंदर में दिखाते हैं और क्या क्या इसमें दिया हुआ है बॉक्स पैकिंग में। ये वाईफाई है, इसमें वाईफाई से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक यूजर मैनुअल दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इसको हमको अभी कुछ करना नहीं है, फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और आपको दिखाते हैं। और एक इसमें दिया हुआ है, इसको इसका कवर है क्या, प्लास्टिक का है ये कवर। तो चलिए इसको भी हटाते हैं, साइड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये HP का अलग से दो कार्टेज इस पर दिया हुआ है। इसका जो कार्टेज होता है ये अलग से दिया हुआ है, एक है ब्लैक और एक है कलर, दो कार्टेज इस पर मिलता है। तो कार्टेज का अच्छा खासा दाम है। तो उसके आगे और दिखाते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स और है, इस पर कलर दिया हुआ है। इस पर कलर इंक जो है डब्बा, उस पर इंक डाला हुआ नहीं रहता, इसको डालना पड़ता है। तो चलिए इसको भी निकाल के आपको दिखाते हैं। ये इसका केबल USB, इसको भी साइड में रखते हैं। ये है पावर केबल और जो इसमें देगा। उसके बाद इंक को हम निकाल लेते हैं। डब्बा को साइड रखते हैं। ये आप देख सकते हैं ब्लैक का बहुत बड़ा डब्बा है, ब्लैक थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है। कलर में भी ठीक है कलर, ये एग्लेटा है, ये सी है और ये येलो है। इसको डालना पड़ता है, तो वो भी आपको करके दिखाएंगे। कलर को भी हम साइड रख लेते हैं उसके अंदर में। अब है प्रिंटर, तो इसको चलिए निकालते हैं। हाँ, बॉक्स को साइड में रखते हैं, वो प्रिंटर निकालते हैं। वाईफाई है इसमें, आप मोबाइल से इसको प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका इंक वाला डब्बा दिया हुआ देख सकते हैं, सारा कुछ है यहाँ पे। चलिए इसका प्लास्टिक रैप को हटाते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे इसको रैप को हटा दिए हैं, इसको पूरा अच्छे तरीके से इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे ये जेरोक्स भी होगा इसमें और प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैनुअल दिया हुआ है, इसको ब्लैक कर सकते हैं, हॉटपॉट पर उसमें जो कर सकते हैं, सारा जेरोक्स कर सकते हैं इसमें। तो चलिए दिखाते हैं इसको एक जेरोक्स करके और इंक डाल के। देखिए स्कैन, यहाँ स्कैन भी कर सकते हैं और ये है। चलिए इंक फटाफट डाल लेते हैं। इंक वाला डब्बा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक होगा, यहाँ पे सी होगा, एम होगा, वाई होगा। तो इसको खोलना है ऐसे, ऐसे इंक आपको डालना है यहाँ तक, जो लाइनिंग दिख रहा है इससे नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर नहीं। चलिए फिलहाल हम इसको इंक को डाल लेते हैं पूरा अच्छी तरीके से। फिलहाल सब इंक यहाँ पे डाल दिए हैं, देख सकते हैं लाइन बाय नीचे लाइन के जितना है सब नीचे। इसमें 80 ml रहता है और कलर रहता है 70 ml, 70 ml के पूरा हो गया है और 80 ml का थोड़ा कम है, यानी कि लाइन से कम, उसमें थोड़ा इस पर भी आधा बचा हुआ है। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये यहाँ से ऐसे निकलेगा और इसको ऐसे करना है। यहाँ से आप खोल के देख सकते हैं,
चलिए इसको ऐसे रखते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है कार्टेज जब लगाएंगे उस टाइम आप परेशान हो जाइएगा, वीडियो अगर यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा वीडियो। लेकिन आप अगर जहाँ से प्रिंटर लिए हैं वहाँ से भी आप अगर कुछ हेल्प मांगेंगे घर लाके, तो आप बिल्कुल ऐसे ना करें। अगर जहाँ से परचेज़ कीजिएगा आप वहीं से सारा सेटिंग करवा के लाइएगा प्रिंटर। बिल्कुल आप गलती नहीं कीजिएगा कि हम घर में ले जाके इसको सेट करेंगे, बिल्कुल ये गलती नहीं कीजिएगा। हम गलती करके पछता रहे हैं। फिलहाल अभी आपको बहुत टाइम लगा तब आज हम यहाँ पे सब कार्टेज इसमें लगा पाए हैं। देख सकते हैं कार्टेज को ऐसे लगाना है, जैसे ही कीजिएगा इसमें एक रहता है ये पुश बटन जो इसको बोलता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको पूरा निकालना होगा बाहर तब कार्टेज लगेगा। बहुत हम परेशान हो गए हैं कि इसी को अंदर में रखे थे और कार्टेज हम लगा रहे थे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है एचपी का प्रिंटर में। तो फिलहाल अभी इसको हम कार्टेज को लगा दिए हैं, इसको अब हम यहाँ पे इसको ऐसे लॉक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा लॉक हो चुका है। कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, पहले इंक आप मत डालिएगा, जो भी इंक है वो इंक बाद में डालिएगा, कार्टेज लगाने के बाद आप इंक डालिएगा तभी आपके लिए प्रिंटर सही रहेगा, नहीं तो प्रिंटर हो सकता है नया लिए हैं ख़राब हो सकता है। तो चलिए फिलहाल अभी हम इसको रेडी करते हैं। रेडी कर चुके हैं, अब यहाँ पे सेटिंग पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये जीरो होगा और यानी कि आपका प्रिंटर रेडी हो चुका है, उसमें आप कर सकते हैं।